जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वह स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्बल है। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाए, यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में, वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट, व्यक्ति के अपने फल, अपने निर्णय के फल, और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित करते हैं उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आता है। जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष को विवश। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता के गहराई से अनुभवी है और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वो तो कुछ जानते हैं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने पवित्रता के आधिक्य किया। व्यक्ति अपने को खोते समझती है, व्यक्ति अपने को समर्पित करते हैं, छोड़ते अहंकार को तो भ्रम की इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा देंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र, दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा, यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा, यद्यपि रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसका जीवन तो संकट में था, वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता किंतु उसे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था, किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था, नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा।
उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचाकर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था। नदी तो बस बहे जा रही थी। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता है, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, गणेश, मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता। विनाश उसका मूल स्वभाव है। संगीत से ये प्रक्रिया और भी प्रबल होती, किंतु विनाश किसका, प्रश्न ये है। जो विनाश अपनी सीमाओं का, ताकि व्यक्ति अनंतता की ओर अग्रसर हो सके, तो ये विनाश आंतरिक है, और उसमें संगीत सहायक अवश्य होता। किंतु यदि मन संकीर्णता के बाहर ना पाए तो विनाश भारी होता, और संगीत इसमें भी सहायक होता। ऊर्जा की अस्थिरता शांति से, और स्थिरता के लिए अनिवार्य है शांति। अस्थिरता तो केवल अविश्वास से आती है। ईश्वर सच्चिदानंद है, त्रिकाल बाधित है, निरंतर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, आनंद के सागर है। ईश्वर ही सृष्टि के परम तत्व है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्गुण और निराकार है, साथ ही सगुण और साकार भी है, और वही संसार के सृजन करता, वही संहार करता भी है। सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी, और सर्व समर्थ भी है। जहां न अमृत न विष, न सुख न दुख, न स्वर्ग न नरक, वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ, मैं ही तुम, हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा।